खबर चमोली जिले से है, जहां स्वीप कार्यक्रम के तहत इन दिनों गोचर मेले में नए मतदाताओं पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें युवा मतदाता लगातार अपना पंजीकरण कराने यहां पहुंच रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गौरेला ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए लगातार युवा पहुंच रहे हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, स्वीप एक ऐसा कार्यक्रम है जो मतदाताओं को जागरूकता के लिए है, और इस समय पहला चरण चल रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हर है मतदान मतदाता पता पहचान पत्र के लिए, मतलब जिसने जनवरी 24 तक जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी जनवरी 24 तक, उन सबका वोटर कार्ड बनना चाहिए। हमारी जानकारी में आ रहा है कि कुछ लोग छोटे हुए हैं, जैसे अभी हमारे बीच बालक आया है, क्या नाम बेटा आपका? ये सौरभ गोसाई, ये 18 साल के हो चुके हैं लेकिन इनका कार्ड नहीं बना, तो ये हमें प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि तुरंत कार्ड बनाएंगे और हमारी टीम भी इनकी मदद करेगी। और ये हमारे लिए खुशी हो रही है, और जिस तरीके से गौचर मेले में इसलिए वोट देने के लिए हमें जागरूक किया जा रहा है। मेरा भले ही वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी वोट नहीं दिया, लेकिन जब भी मैं दूंगा वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा, और इसलिए इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।